मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निजामत फासिलती फ़ासिलतीम के इस प्रोग्राम में आप तमाम का ख़ैर मक़दम है आज हम इस प्रोग्राम में नमो और नशोनमुमा का तस्वर और असूल से मतलब मालूम हासिल करेंगे नमो और नशोनम क्या हैं इनके तस्वूर क्या हैं इसको जानेंगे क्या इन में कोई फ़र्क है और इंसान की ज़िंदगी में नमों और नशोनमुमा किस तरह वाक़ होते हैं और कौन कौन से मराइल से इंसान गुजरता है और कौन से असूल हमें इसको समझने में मदद देते हैं इससे मतलब मालूम हासिल करेंगे इंसानी सबसे पहले हम इंसानी नशोनुमा को देखेंगे इंसान अपने माजी के वाकयात से बहुत मुतासर होता है अगर बचपन में कोई बच्चा डर और जुल्म के साये में जीता है तो उसकी शख्सियत में डर डर बहुत अहमियत रखता है और ये शख्सियत उसकी बन जाती है इंसान नमो पाता है और माहौल से मुताबिकत पाता है नशोनमा को समझने में तस्वूर उलूल और नज़रियात हमें काफ़ी मददगार होते हैं इंसान साकिन नहीं है उसकी सलाहियतें और से पस्तवी रवि की तरफ गामजन होती हैं वो वकूफी सलाहियतों में उभार से इन्हता की तरफ जाता है बुनियादी तहफिल मेटाबोलज़म की बुलंदी से पस्ती हासिल होती है नमो और नशो ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नमो का तस्वर क्या है उमूमा तो नमो और नशोनमा को दो मुबादल अल्फ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये दोनों मुतबाद अलफा नहीं हैं इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मकदारी और कुमियती मकदारी और कुमियती तब्दीलियाँ नमों को ज़ाहिर करते करते हैं जैसे कद वज़न साइज़ अंदरूनी अज़ा नमो देते हैं मसला बच्चे का मोटापा बढ़ना शबाब में उसके चेहरे पर बाल आना उम्र रसीदा के दांत गिरना तनासली खूसियात बढ़ना और कम होना ये नमों को ज़ाहिर करते हैं जिसम के हर हिस्से में तब्दीली वाकई होती है लेकिन हर हिस्से में जो तब्दीली वाकई होती है वो जुदा जुदा होती है और हर शख्स में होने वाली तब्दीली भी अलग अलग होती है यही वजह है कि चेहरे का में जो तब्दीली वाकई होती है वो जिस्म के पूरे जिस्म की तब्दीली से आ, कहीं कम होती है और बैरूनी ममालिक में जो तब्दीली वाकई होती हैं जो हाइट या जो साइज़ या कद बच्चों का होता है उसकी बन हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ देखने में मिलता है तो ये जो है एक शख्स के अंदर भी मुख्तलिफ जुदा जुदा होती है तब्दीली और मुल्क से मुल्क या फ़र्ज से फर्द में भी उसको अलग तौर पर देखा जाता है नशो नुमा नशो नुमा जब हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि नशो नुमा जो है नमों इसमें शामिल है ये कैफियती और कुमियती तब्दीलियों का मजमु है इसमें बाबा मदल तब्दीलियों के तदरीजी सिलसिले में आ, की इरत होती है अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमें पता चलेगा कि इसलाह शुदा साखों के उभरने की वजह से किसी फर्द में आई बाहसियत मजमू तब्दीलियों का सिलसिला और वो काम जो जिसम नामी यानी आर्गेज़म और माहौल के दरमियान वे बने अमल का अमल और मुबादले का नतीजा हैं यानि इसके अंदर जो भी तब्दीलियाँ आती हैं वो तब्दीलियाँ माहौल से मुतल माहौल का भी असर उसके अंदर शामिल होता है नशो हर मरहले पर मुख्तल होती है और मरहला दर मरहला तरक्की का अबूरी दौर बतदरीज होता है अगर हम बच्चे को देखें तो एक मरहले में होने वाली तब्दीली दूसरे मरहले से मुख्तलिफ होती है जैसे बच्चा बचपन में बोलना अल्फाज गुनगुना बोलना शुरू करता है फिर उसके बाद जुमले बनाना शुरू करता है फिर उसके बाद बातचीत करना शुरू करता है ये हर मरहले में अमल वाक़ होता है और मरहला दर मरहला जो तब्दीली वाकई होती है ये अबूरी और बतदरीज होती है ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले से पूरा का पूरा जुमला कहना शुरू करे या किसी से बात करना शुरू करे या दौड़ना शुरू करे खड़े होने से पहले ये अचानक नहीं होता बल्कि अबूरी और बतदरीज होता है नशोनुमा किस तरह वाक़ होती है इसके अंदर कौन कौन से मरल हैं अब हम इसको जानेंगे इस स्लाइड में आ, दिखाया गया है कि नशोनुमा के सात मरल हैं सात मरल इस तरह से हैं पहला मरला जो है हालत तिफली है जो पैदाइश से दो साल तक रहता है फिर उसके बाद इब्ताई बचपन आता है जो दो से छः साल तक रहता है इस दौरान वो इप, मदरसे के या स्कूल के इब्तदाई दौर का हो में होता है स्कूल अभी जॉइन नहीं करता सानवी बचपन य छः से बारह साल का होता है और इस दौरान वो स्कूल में दाखला लेता है बारह से अठारह साल का दौर उन फौन शबाब कहलाता है जहाँ वो सानवी और आला सानवी तालीम हासिल करता है इब्तदाई बलूगियत 18 से चालीस साल तक रहती है फिर पुख्ता सन बलूगत बलूगीत चालीस से पैंसठ साल तक रहती है उससे ज़्यादा की उम्र यानी पैंसठ साल से ज़्यादा की उम्र ममसन बलूगियत कहलाती है अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हालत तिफली किस तरह से वाकई होती है नौजायद बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है दो हफ्तों की उम्र तक उसको की उम्र को नोजायद उम्र कहा जाता है शक्ल सूरत उसकी खाल उसकी खाल झुर्रीदार होती है सर्ख होती है सर काफ़ी बड़ा होता है और उसका असर जो है बड़े आदमी की तरह होता है नींद वो से 22 घंटे तक करता है भूख लगने पर वो जागता है फिर माँ को चंद दिन में पहचानना शुरू करता है वालदे और रिश्तेदार चंद रिश्तेदारों को जानता है मोहब्बत और शफक्त का एहसास होता है उसे और जब यह एहसास उसके अंदर ख़ुद अतमादी बढ़ाता है जो उसके परवान चढ़ने में बहुत ज़रूरत ज़रूरी है नमो और हर की सलाहियत मरकज़ से सिरे की तरफ होती है अब हम देखेंगे कि वो किस आ, किस किस किस्म किस, के जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं तीन माह में बच्चे जो हैं गू गां करना शुरू कर देते हैं नौ से दस माह का बच्चा जो है उसके अंदर हसद का जज्बा रहता है दस से बारह माह तक गुस्सा मोहब्बत शफ़त और दोस्ती जैसे जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं छः माह में वो कमज़ोर गिरफ्त से जो आसानी के साथ पकड़ता था अब मजबूती के साथ पकड़ने लगता है हर की सलाहियत उसके अंदर सर से पैर तक होती है और हर की कंट्रोल सर कंधों हाथों से पैरों की तरफ जाता है इसी हालत तिफली में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे कि दो साल में बच्चा जो है क्या करता है दो साल में बच्चा अकेला खेलना शुरू करता है अतराफ की चीज़ों की खोज करता है अल्फाज मिला मिला कर बोलने लगता है मुनफरिद और तग़रती मिजाज मिजाज का मुजाहरा करते हैं वालदन की शख्सियत का इन पर काफ़ी असर होता है जिसमानी महारतें जैसे बड़े उजलाती कंट्रोल के बाद छोटे छोटे उजलात पर काबू पाना शुरू करता है जिसम को हरकत देने के बाद छोटी छोटी, छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है और ये राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर बनता है लेकिन ये भी राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड बनना उसका तदरीजी अमल है न कि अचानक वा वाकई होता है इब्तदाई बचपन के अगले मरहल आ, आ, में आगे हम अब देखेंगे कि कौन सा दौर है ये ये जो है इब्तदाई बचपन स्कूल जाने से पहले का दौर है यहाँ पर हम देखेंगे कि किरदार की वसूत नज़र आती है महारतों की असलाह और नई महारतें ये सीखने लगता है खुद को समाजी हस्ती की शक्ल देता है तीन साल में जब बच्चा तीन साल का होता है तो इसके अंदर मस्बत जज्बात पैदा होते हैं जैसे मोहब्बत प्यार वगैरह समाजी अतवार की नकल करता है यही वजह है कि हम देखेंगे कि इस, इस उम्र के बच्चे जो है डॉक्टर कंडक्टर वगैरह जो अपने अतराफ नज़र आते हैं उन किरदारों की नकल करता है ये गुड्डे गुडियों से प्यार और मोहब्बत करता है इसके अंदर खेल के जज्बात का इजहार होता है समाजी आने का अमल यहाँ पर शुरू होता है आइंद आगे हम अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी जहनी नशोनम किस तरह से होती है अगली स्लाइड में जहनी नशो नुमा आपको दिखाई गई है जहनी नशोनम सलाहियतों में फैलाव को जाहिर करती हैं ये अपने अतराफ व अकनाफ पर तजस करने लगता है अपने अतराफ व अकनाफ पाई जाने वाली चीज़ों को पकड़ पकड़ कर देखने लगता है कि ये क्या हैं हिस्से और हर के अमल इस यहाँ पर हावी रहता है यही वजह है कि इन जमातों में कॉन्क्रीट में पेश की जाती हैं जैसे फूल पत्ते पानी वगैरह की मालूम दी जाती हैं इसल नतज अखज़ करता है और मसाइल का हल करने की कोशिश करता है छः साल की उम्र तक पहुँचने तक जहनी महारतों का को हासिल करता है इसके बाद हम देखेंगे कि इब्तदाई बचपन में इंसानी नशोनुमा किस तरह वा वाक़ होती वाक है पियाजे ने दो मुख्तलिफ नज़रियात यहाँ पर पे पेश की गई हैं इंसानी नशोनुमा किस तरह लिसानी नशोनुमा किस तरह वाकई होती है एक है पियाजे और दूसरा चोम्सकी पियाजे कहते हैं कि हिस्से हर की दौर के आखिर में ज़ुबान की नशोनुमा होती है यानी इस दौर के आखिर आखिर में उसकी लसानी नशोनुमा होती है ज़ुबान की नशो होती है चोम्सकी कहते हैं कि ज़ुबान का हसूल पैदेश होता है पैदाइश के तौर पर वो ज़ुबान सीखते हैं और वो कह यहाँ तक कहते हैं कि खुद का बच्चे अपना खुद का ग्रामर बनाते हैं कि कौन मुजक्कर है कौन मऊनस है और ख़ुद के कवानी तय करते हैं कि सिंगुलर को क्या कहा जाए या प्लुरल को क्या कहा जाए ये इब्तदाई बचपन में होने वाली तब्दीलियाँ हैं इब्तदाई बचपन में जिनसी तल्ल किस तरह वाक़ होते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिनसी किरदार जो है वो उनके अपनी हयातियाती और सामाजिक अवामिल पर आ, मबनी है और ये अपने आप को मेल या फीमेल ज़िमरे में रखकर किरदारों को अपनाने की कोशिश करते हैं दो से छ साल तक का ये मरहला था इब्तदाई बचपन का मरहला अब हम देखेंगे कि इब्तदाई बचपन के बाद वो सानवी बचपन में कैसे जाते हैं सानवी बचपन में जाने का जो मरहला है ये प्राइमरी मदरसे का दौर है यहाँ पर बच्चा स्कूल में दाखला लेता है घर से निकलकर मदरसे जाता है तो यहाँ जहाँ वो फैमिली का एक हिस्सा था अब यहाँ उसके अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हमें देखने में मिलती हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसमानी तौर पर इब्तदा में उसकी नमो काफ़ी सुस्त हो जाती है लेकिन चूँकि मदरसा जा रहा है तो यहाँ पर जहनी अखलाक और समाजी नशो नुमा बहुत सारे लोगों की मिलने की वजह से यहाँ पर तब्दीली वाकई होती है और काफ़ी पढ़ने का भी उस पर असर होता है सात साल में जहनी नशो नुमा बहुत ज़्यादा होती है बाद के बचपन में मसाइल के हल करने की सलाहियत में सुधार होता है वो खेल कूद जहन और सामाजी महारतें उसके अंदर फ़रोग पाती हैं समाजी नशो नुमा किस तरह होती है इस उम्र को जो छः से बारह साल की उम्र है बच्चा मदरसे में जाता है और दोस्तों के साथ रहता है तो यहाँ पर दोस्तों के उस पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है एक नहीं एक से ज़्यादा दोस्त उसके होते हैं तो इस उम्र को गैंग एज भी कहा गया है अखलाकी तौर पर इसके काफ़ी नशो होती हैं और ये दोस्तों के अखलाक और से अलाक सीखता है यहाँ पर वो मालूम हासिल करते हैं बच्चे दूसरे से मालूम हासिल करके पियाज़ पियाज़े इस दौर को कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन यानी कंक्रीट चीज़ों को देखकर उस पर अमल करके सीखते हैं और खुर्दी और कुल्ली होल एंड पार्ट्स में इनके मालूम होती हैं तबे माहौल से वस्ता रहते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं अशिया को उनके साइज़ वजन चमक दमक से उनकी दर्जा करते हैं और लोगों की भी ये दर्जा बंदी करते हैं कि किस तरह का लिबास पहने हैं कैसा रहन सहन है इनका तो इसके अतबार से उनको जो है या तो आ, कहेंगे कि वालदान हैं या हिंदू हैं या मुस्लिम हैं किस आ, जगह जाकर इबादत करते हैं इसको देख कर वो त, आ, दर, उनको दर्जा बंद करते हैं आइए अब हम चले छः से बारह साल के इसी दौर को वहाँ में क्या किया जा सकता है इन बच्चों के लिए स्कूल का किरदार क्या होना चाहिए स्कूल जो कि ये छः से बारह साल की उम्र है फाउंडेशन उम्र है और स्कूल में इसका बहुत अहम किरदार है इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि बच्चों की शख्सियत साजी यहीं से शुरू होती है तो शख्सियत की तमीर का सिलसिला बहुत अच्छे तौर पर होना चाहिए यहाँ पर बच्चे हम सिरों के साथ या अपने पीयर ग्रुप में रहते हैं इसलिए इसमें में या तो उनके साथ रहकर उनके अतात गुजार बनने का या उनमें मुमताज़ बनने का जज्बा पैदा होता है तो यहीं उनको तरबियत दी जानी चाहिए यह था सानवी बचपन का दौर जो प्राइमरी लेवल के बच्चे इस दौर में हमारे हमें देखने में मिलते हैं अब सबसे अहम दौर जो है उनफान उन फ़वान शबाब या अडोलेसंस कहलाता है ये दौर 12 से 18 साल तक रहता है ये वो दौर है जहां बच्चा बचपन से जवानी की तरफ जा रहा है और ये उबूरी दौर है या ट्रांज़िशन पीरियड है जिसमें ट्रांज़िशन वाकई हो रही है और नशो नुमा में यहाँ पर नशो वनमा बहुत अहमियत का हामिल है यहाँ पर मुख्तफ़ नशो नमा हमें देखने में मिलती है हयातियाती जिसमानी समाजी नशोनम और वकूफ़ी नशोनम होती है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हयातियाती नशोनम किस तरह से होती है यहाँ पर हयातियाती तौर पर बच्चा जो है काफ़ी परवान चढ़ता है इसके कद और वजन में काफ़ी फ़र्क आ जाता है वो दो साल के लड़कियाँ ख़ास करके लड़कों से दो साल की उम्र तक तेज़ होती हैं दो साल ज़्यादा तेज़ होती हैं जैसे मिसाल के तौर पर सत्रह और अठारह साल की उम्र में सत्रह और अठारह सतरह साल की उम्र तक जो है बच्चे की उम्र लड़कों की उम्र छः से लड़कों का कद छः से सात इंच ज्यादा हो जाता है जबकि लड़कों का यही कद जो है सबसे ज़्यादा आठ से नौ इंच तक जो है अठारह साल की उम्र में होता है यानी नाइन्टी एट परसेंट ऑफ हाइट इज़ अचीव ड्यूरिंग दिस समाजी ताल्लक़ समाजी तल्लत इनके किस तरह से होते हैं इनके ये जो है अपने से मुखालिफ सिंफ के साथ रहना पसंद करते हैं इन में सिनी करदार से मुतलक मालूम हासिल होती है और ये जानने लगते हैं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरी शनाख्त क्या है मुझे किस तरह से रहना चाहिए मैं किस तरह से दिखता हूँ वगैरह मुख्तलफ़ चीज़ें यहाँ पर वो जानना शुरू कर देते हैं जी, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कॉग्निटिव पुख्तगी किस तरह से जिनसी जि, पुख्तगी किस तरह से हासिल होती है जिसमानी साइज़ और ताकत में ये बालिगों के बराबर हो जाते हैं यानी उनके अंदर जिसमानी सलाहियतें बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं और जिनसे पुख्तगी इन्हें हासिल होती है जिसमानी तौर पर शक्ल सूरत के बारे में काफ़ी हसास होते हैं यही वजह है कि वो बनने संवरने में काफ़ी वक्त गुजारते हैं जिनसी शनाख्त और ताल्लुक हयातियाती तब्दीलियाँ जिनसी शनाख्त बनाती हैं जिनसी जरूरियात, सिनफी किरदारों की कबूलियत या इसदार इस का बास होती हैं जिसमानी पुतगी होने की वजह से जिनसी दिलचस्पी का बास बनती हैं उन फवान शबाब का अगला अगला डोमेन जो हम देखने जा रहे हैं वो कागनेटि डोमेन कहलाता है कागनीटि डोमेन में भी इनकी काफ़ी नशो होती है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इस दौर में वकूफ़ी सलाहियतों का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नशो होती है और इनमें जो है बाखबरी या तखयल क़वत फ़ैसला और बसरत ज़्यादा पैदा होती है ये सोच में फरोग और मुशाहदे पर मबनी फैसला लेने में मददगार साबित होते हैं इब्तदाई बलूगियत इब्तदाई बलूगियत अठारह से चालीस साल का वो दौर है जहाँ पर आ, इंसानी माशी तौर पर नए रोज़गार तलाश करने की कोशिश करता है और अपने शरीक हयात का इंतखब करता है अपने मकासद के तयन और अपनी तमन्नाओं को तय करने का सिलसिला शुरू हो जाता है शीही और गोल्ड 1975 ने इस दौर को जद्दोजहद वाला दौर या दी ट्राइंग ट्वेंटीज़ कहा है जहाँ पर वो मुश की खोज करते हैं माश हासिल करते हैं फिर अपना शरीर हयात है ढूंढते हैं आ, शादी होती है ज़िंदगी नई शुरू होती है हर तरह की जद्दोजहद यहाँ पर देखने में मिलती है तीस के दह दहे तक पहुँचने तक अर्ली थर्टीज़ में जो है ये दोबारा जायज़ा लेना शुरू करते हैं कि हमने क्या किया है कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है जैसे बे औलाद जोड़े औलाद के बारे औलाद चाहने लगते हैं बे मुलाजमत औरतें मुलाजमत चाहने लगती हैं ये इब्तदाई बलोगियत या अठारह से चालीस साल की उम्र का दौर है जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें वाकई होती हैं अब हम देखेंगे कि चालीस से पैंसठ साल वाला दौर क्या है यहाँ पर जो है बच्चों को ऐसे महसूस इंसान को ऐसे महसूस होने लगता है कि उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही हैं और गैरमतम होने का एहसास उसके अंदर पैदा होता है यही वजह है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा होने लगते हैं जैसे जिस्मानी तौर पर वो आप कमज़ोर महसूस करने लगता है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ या कमर का मोटापा बाल बेरंग होना वगैरह जैसे मसाइल उसको इसके सामने पेश होते हैं ये वो दौर है जहाँ वो बलूियत से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है वस्ती ज़िंदगी का अबूरी दौर या दरमिया उम्र की बगावत इसके अंदर देखी जाती है बुढ़ापा बहुत करीब आता है और औरतों में माहवारी का बंद होना भी इसके अंदर देखा गया है पैंसठ साल पैंसठ साल पहुंचने तक जो है इंसान बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापे के बुढ़ापे में नशो व के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं यहाँ पर बच्चे यहाँ पर जो है बूढ़े बुड़, बुढ़ापे में महसूस करने लगते हैं कि उनकी ताकत घट रही है उनके उनको सेहत और मौत की फिक्र सताने लगती है और यहाँ पर इंसान जो है अपने नौकरियों से या जहाँ पर काम करता है रोज़गार से सबकदोशी हासिल करता है सो सबकदोशी का भी यहाँ पर उस पर असर होता है मुख्तलिफ़ मसाइल में अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश कर मशागल में मुख्तलिफ मशागल में अपने आप को मशरूफ़ रखने की कोशिश करता है जैसे समाजी ख़िदमत है मताले में वक्त सर्व करता है सफ़र कर, करता है या मजहबी मकाम की जीारत करने लगता है नशो नुमा ये मुख्तलिफ़ मरा में वाक़ होती है लेकिन इसके चंद उसूल हैं जिनके तहत ये नशोनुमा वाक़ होती है ये उसूल जो है तब, आ, हमें बताते हैं कि नशोनमुमा जो है तब्दीली का नतीजा हैं लगातार तब्दीली जिस तरह से वाक़ होती है उसी की बदौलनत जो है नशोनुमा हमें देखने में मिलती है तब्दीली जो है मुख्तलिफ मेल में मुख्तलिफ होती है ये उलूल हमें ये इतना काबिल बनाती हैं कि हम आ, पेशन गोई कर सकते हैं कि कौन से मरहले में कौन इंसान कौन से खसूसियात रखता है नशोनुमा पुख्ती और सीखने के अमल की पैदावार हैं सबसे पहला उसूल हम देखेंगे तसलसल या कंटिन्यूटी कहलाता है नशोनमा एक ऐसा अमल है जो करार हमल से लेकर मौत तक लगातार चलने वाला अमल है जिसमें जिस्मानी पुख्तगी हासिल होती है और तफायली पुख्तगी भी हासिल होती है पुख्ता उम्र में भी नशोनमा नहीं रुकती बल्कि लगातार चलती रहती है मुख्तलिफ हलकों में तसलसल बरकरार रहता है जैसे वक़ूफी जज्बाती और ज़हनी हल्के हैं इसके बाद अगला उसूल हमें बतलाता है कि तरतीब जो नशो नमा वाकई होती है वो तरतीब वारीत के साथ वाक़ होती है नशो नुमा तरतीबार और बासिलसिला बाबा होती है तमाम अनवा मखसूस पैटर्न पर अमल करने करते हैं नशोनुमा फ़र्द और माहौल के दरमियान ताल्लुक़ से होने वाला अमल है यानी माहौल भी इंसान इसकी नशो नुमा में बहुत अहम किरदार अदा करता है और हमें मालूम है कि फ़र्द माहौल और माहौल फ़र्द दोनों पर असरअंदाज होते हैं तरतीब वारियत में हम अब देखेंगे कि नशोनम किस सिमत में होती है नशोनम जो है सर से पैर तक होती है फिर मरकज से सिरों तक होती है नशो नुमा एक मखसूस पैटर्न में वाक़ होती है जैसे बच्चा जब खड़ा होता है खड़ा होने के बाद ही वो चलने के का अमल करता है मुरबा बनाने से पहले वो सर्कल बनाने या दायरा बनाता है नशो नमा मुसलस वाक़ होती है और एक मरहले पर वाक़ होने वाली नशो दूसरे मरहल पर असर अंदाज होती है जैसे बच्चा जब आ, कुछ आवाज़ें करने लगता है तो फिर वो अल्फाज कहना शुरू करता है तो ये जो है मुस, मुसलसल होने वाला अमल है नशो के असूल में अगला असूल है उमूत का असूल उमूमीत से तखसीस की जानब तमाम सरगर्मियाँ जो बच्चा करता है वो आ, वो आम से ख़ास की तरफ होती हैं मादरी शिकम में जैसे बच्चा मादरी शिकम में आप पूरा जिसम अपना घुमाता है न कि हाथ पर घुमा सकता है पैदाइश के बाद बिना सोचे समझे जो है बच्चा अपने बाजू घुमाने लगता है या आगे पीछे करने लगता है चीज़ों को पकड़ने की सही करता है लेकिन ये मखसूस नहीं होती बल्कि एक आम चीज़ होती है फिर उसको आ, मजबूती के साथ थामने लगता है और ऊँ आ की आवाज़ से अल्फाज और जुमले बनाने का अमल उसका शुरू होता है तफरीक का अमल डिफ्रेंशियबलिटी नशो नुमा की रफ़्तार यकसा नहीं होती मुख्तलिफ़ मरा में मुख्तलिफ किस्म के नशो नुमा उसके अंदर वाक़ होती है कभी वो तेज़ी के साथ सीखता है कभी आसानी के साथ सीखता है कभी जिसम ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता है और कभी कम तेज़ी के साथ बढ़ता है अफराद नमो और नशोनुमा की रफ़्तार में मुख्तलिफ होते हैं हर एक फ़र्द में मुख्तिस नशो नुमा होती है यही वजह है कि कोई जल्दी बोलने लगता है कोई देर से बोलने लगता है कोई जल्दी खड़ा होता है बच्चा कोई देर से खड़ा होता है लड़के और लड़कियों में भी नशो की रफ़्तार अलग होती है नशो नुमा यकसा नहीं होती और न ही खत मस्तक में आगे जा जाती है जहनी सलाहियतें ज़ुबानी अददी मकानी उन शबाब में परवान चढ़ती हैं इस दौर में इंसान एक मोलम होने के नाते हमारा क्या किरदार होना चाहिए ये हमारे बच्चे हैं जो मदरसे में जाते हैं तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे के बारे में हमारी जानकारी जितनी है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये मालूम जो है बहुत कम है बच्चे की शख्सियत को अगर देखा जाए तो मौलम होने के नाते हम बच्चे को समाजी जिस्मानी और जज्बाती हलकों तो में जानना चाहिए न कि एक तलब इलम के तौर पर जैसे अगर कोई बच्चा ड्रग ग्रुप का या मनियात का हिस्सा हो तो उसको कुली तौर पर हम देख कर उसकी रहनुमाई कर सकते हैं फिर अगले जो चीज़ें हम देखना चाहिए कि खुद हम भी बच्चे के बदलाव को समझें और बच्चे को भी समझाएं कि किस तरह का बदलाव उसके अंदर रोनुमा हो रहा है अगर ये हम जानें तो उसको मजबूत तरबियत दे सकते हैं सज़ा के बजाय उसकी रहनुमाई करके हम उसको सुधार सकते हैं बच्चे उनबाब फा, उन में ऊंची जमातों में होते हैं और उनकी जरूरियात ज़रूरियात के मुताबिक रहबरी दी जाए और हमें ये जानना जरूरी है तहकीक से पता चला है कि ज़ैर निगरानी काम या बग़ैर निगरानी के काम बच्चे करते हैं तो जेर चंद बच्चों को ज़ैर निगरानी काम करना रास आता है चंद बच्चों को बग़ैर निगरानी के काम जिस तरह के हमारे बच्चे हुए उस तरह के उनकी तरबियत देनी चाहिए और सबसे बढ़कर हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे मदरसे में नहीं आ रहे हैं ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं तो ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों को किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए यहाँ पर उस्ताद का किरदार बहुत अहम होता है मनशियात का अगर वो शिकार हो रहे हैं तो उनको मनशियात से दूर करके मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है और हमारे बच्चों को जो यहाँ पर जहनी जिसमानी तब्दीली रोनम हो रही है उस इस दौर में उनको अच्छी तहरीक देकर अच्छी तालीम और रहनुमाई फराम करके उनको सही तौर पर लाया जा सकता है और आखिर में मदरसे के अंदर मशवरा का एक सेल बनाकर वहाँ पर बच्चों को गाइडेंस दिया जा सकता है तो आज के हम इस प्रोग्राम में हमने नमो और नशो नुमा से मतलब मालूम हासिल की हमने ये जाना कि इंसान के माहल किस आ, कितने होते हैं सात मरल से गुजरता है और अख्ताम पजीर पद, होता है और आ, हमने मुख्तफ़लों को ज, जाना जिसकी बुनियाद पर वो आ, आगे बढ़ता है आ, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ